हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रॉशीज़ एजुकेशन पॉइंट टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद योर न्यू माइलस्टोन सोशल साइंस क्लास टू चैप्टर फाइव द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ माय होम माय होम यानी कि मेरा घर आर होम वी ऑल नीड फूड क्लोथ्स शेल्टर एंड वाटर टू लिव हम सभी को चाहिए होती है फूड खाना क्लोथ्स यानी के कपड़े शेल्टर यानी के रहने की जगह और वाटर यानी के पानी ज़िंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए अर्ली मैन लिव्ड इन द केव्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ़ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स हीट कोल्ड रेन स्टॉम्स एंड डस्ट अर्ली मैन यानी कि पुराने टाइम पर लोग केव्स में रहते थे केव्स यानी के गुफाओं में रहते थे ताकि वो अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों से हीट यानि कि गर्मी कोल्ड यानि कि ठंड रेन यानी कि बारिश स्टोम्स यानी कि बहुत तेज चलने वाली हवा जिसे हम आंधी कहते हैं एंड डस्ट यानि कि धूल मिट्टी इन सभी से प्रोटेक्ट करते थे एनिमल्स टू लिव इन देयर होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एनिमल्स भी अपने घरों में रहते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें मटीरियल्स यूज टू मेक हाउसेज अब कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं घर बनाने के लिए हाउसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स अलग अलग घर अलग अलग चीज़ों से बनते हैं हाउसेस दैट आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर नोन एज पक्का हाउसेस ऐसे घर जो ब्रिक्स यानी कि ईट और सीमेंट से मिलकर बने होते हैं उसे हम पक्का हाउसेस बोलते हैं सम हाउसेस आर मेड ऑफ मड बैम्बू एंड स्ट्रॉ दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस कच्चा हाउसेस होते हैं जो बैम्बू स्ट्रॉ और मट से बनते हैं दे आर नॉट एज स्ट्रोंग एज पक्का हाउसेस। दे आर फाउंड मोस्टली इन विलेजस दे आर कॉल्ड हट्स अब कच्चा हाउसेस कच्चे होते हैं पक्के तो नहीं होते हैं और ये मोस्टली हमें विलेजेस यानी कि गांव में देखने को मिलते हैं और इनको हम हट के नाम से भी जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के घरों की द बिग हाउस इन द सिटीज़ आर कॉल्ड बंगलोज अ बंगलो हैज़ मैनी रूम्स एंड अ स्मॉल गार्डन इट कैन बी सिंगल स्टोरीड और डबल स्टोरीड अब बहुत बड़े घर को जो सिटी में बनाया जाता है उसे बंगलो कहा जाता है बंगलो में बहुत सारे रूम्स होते हैं अलग अलग और आगे छोटा सा गार्डन भी होता है ये एक स्टोरी यानी कि एक फ्लोर का भी हो सकता है और दो फ्लोर्स के भी हो सकते हैं मॉडर्न सिटीज़ ऑल्सो हैव टॉल बिल्डिंग्स नोन एज मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स दीज अपार्टमेंट्स हैव लिमिटेड रूम्स ये मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स होता है मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देती हूँ ये देखो इस तरीके से होता है हर फ्लोर पे बहुत सारे रूम्स होते हैं जिसमें लोग रहते हैं अब ये लिमिटेड रूम है इसको अपन बढ़ा नहीं सकते हैं दीज बिल्डिंग्स हैव फ्लैट रूफ्स मैनी फैमिलीज कैन लिव इन वन सच बिल्डिंग अब बिल्डिंग इस तरीके से होती है और इसकी रूफ़ यानी कि छत फ्लैट होती है बहुत सी फैमिलीज यहाँ पर एक साथ रह सकती है प्लेसेज विच आर क्लोज टू अ वाटर सोर्स और रिसीव हैवी रेनफॉल हैव है ऑन स्टिल्स डीज हाउस आर बिल्ट ऑफ बैम्बू पोल्स अब ऐसे घर जहाँ पे बारिश होती है तो वहाँ पर हम लोग स्टिल्स के हाउसेज बना देते हैं स्टिल्स का मतलब होता है इस तरीके से थोड़े से ट्रायंगुलर शेप का ऊपर से बना दिया जाता है तो इससे क्या होगा कि जो भी पानी वानी गिरता है वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है सम हाउस आर मोबाइल दैट इज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मोबाइल का मतलब एक ऐसा घर जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा घर होता है तो मान लो ये एक घर है और इसको मैं रख दू टायर के ऊपर तो आप गाड़ी चलाओगे और घर आपका पूरा के पूरा मूव करेगा इस तरीके के घर को मोबाइल हाउसेस बोलते हैं सच हैव व्हील्स एंड आर अटैच्ड बिहाइंड अ वैन और अ मिनी ट्रक अकार इज अ हाउस दैट मूव्स ऑन व्हील्स अब ऐसे घर क्या होता है आगे तो ट्रक रहता है उसमें ट्रक में पहिए होते हैं और पीछे आपका पूरा घर चलता जाता है इसको कारवान बोलते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर देयर आर हाउसेस विच फ्लोट ऑन वाटर दीज आर कॉल्ड हाउस बोट्स जम्मू एंड कश्मीर में तो ऐसे घर होते हैं जो पानी के ऊपर होते हैं ऐसे बोट के अंदर रहते हैं इसे हम हाउस बोट कहते हैं इ कैन बी सीन इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड इग्लूज आर हाउस मेड ऑफ स्नो अगर बर्फ से घर बना रखे हैं आपने तो बर्फ के घर को इग्लू बोला जाता है इस तरीके का घर होता है और ऐसी ओपनिंग होती है ये पूरा बर्फ से बना होता है तो बिल्कुल जहाँ बर्फ होगी वहीं पर ऐसे घर मिलेंगे इसको हम बोलते हैं इग्लू टेंट्स आर हाउसेज दैट कैन भी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अब टेंट जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं और जहाँ आप घूमने जा रहे हो वहाँ इसको लेकर जाओ और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको बंद करके भी रख सकते हो इस तरीके का टेंट होता है यहाँ पर एक गेट होता है इसके अंदर जाके बैठ जाओ वॉट अ गुड हाउस शुड हैव अब एक अच्छे घर में क्या क्या होना चाहिए अ हाउस मस्ट हैव इनफ स्पेस सनलाइट एंड एयर जगह होनी चाहिए अच्छी खासी सनलाइट आनी चाहिए वहाँ पे और हवा आनी चाहिए Houses should be kept clean. Hami apni gharu ko saaf rakhna And with this, your chapter is completed. If you are having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.